Today we are going to read the next poem, A Roadside Stand of class 12th. It is composed by Robert Frost. Robert Frost एक ऐसे अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने व्यक्तियों के जीवन की जो परेशानियां हैं, जो ह्यूमन ट्रेजेडीज हैं, फियर्स हैं, उसको टच किया है, उसको अपने पोएम में उसको इंक्लूड किया है और जीवन की जटिलताओं के बारे में, हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, कि जीवन की जटिलताएं क्या हैं और उसको कैसे स्वीकारा जाए, इस बात को उन्होंने इंक्लूड किया अपने पोएम में। बहुत सारे पोएम्स इनके हैं, बहुत ही फेमस हुए हैं, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, बर्चेज, मेंडिंग वॉल्स, ये सब पोएम्स हैं। तो जो प्रेजेंट पोएम है रोड साइड स्टैंड, ये पुअर पीपल के बारे में है, जो कि उनकी छोटी मोटी दुकान होती है रोड साइड में और शहर से थोड़ा बाहर, और वो अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रुकता नहीं है, तो बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं, सब्जियाँ हैं और फल हैं, ये सब चीज़ें रखते हैं। तो बिफोर यू रीड, देखिए, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर, क्या आप कभी सड़क के किनारे दुकान पर रुके हैं, वहाँ पर आपने क्या किस बात का अवलोकन किया है। तो वहाँ छोटी दुकानें होती हैं और कॉमन चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अक्सर जो बड़े लोग होते हैं, कार में जाने वाले लोग, वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करते हैं और चीज़ें पसंद, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो रुकें वहाँ पर और चीज़ें खरीदें, लेकिन रुकते नहीं हैं। चलिए पोएम पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कुछ हाईलाइटेड हमने हाईलाइट किया है इसको, देखते हैं। द लिटिल हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, एक छोटा सा पुराना घर है, उस घर के बाहर एक नया शेड, एक दुकान लगाया गया है, छोटी सी दुकान, शेड मतलब छाया की गई है, टीन शेड रखा गया है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, बिल्कुल किनारे, जहाँ पर ट्रैफिक आती जाती रहती है, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, स्पीड का पास पार्टिसिपल फॉर्म है स्पेड, वहाँ पर शॉप लगाई गई है ताकि लोग वहाँ पर रुके और चीज़ें खरीदें। और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिकली मीन्स होता है वेरी पोलाइटली, वेरी मिजरेबली, बहुत ही दयनीय स्थिति से, सहानुभूति रूप में किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, प्लीड से का पास फॉर्म है, एक्चुअली पास पार्टिसिपल फॉर्म है प्लीडेड, लेकिन प्लेड यहाँ पर लिखा हुआ है और राइम लाने के लिए, बिकॉज पोएट्स दे हैव पोएटिक लाइसेंस। तो इन फ्रंट अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे जो दुकान है वो बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक वो रिक्वेस्ट करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड, डोल मीन्स होता है भीख, रोटी का टुकड़ा जो भीख में दिया जाता है, तो ये कहना गलत होगा, पोएट का मानना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो जिस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर लोग रुके, तो इसको भीख मानना नहीं कहेंगे, ये गलत होगा कि ये वो एक रोटी का टुकड़ा भीख मांग रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, लेकिन वे लोग कुछ पैसा वो चाहते हैं कि उनके हाथ में आए जिससे वो अपने जीवन को सुधार सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वो चाहते हैं कि शहर की जो खुशहाली है, फ्लावर रिफर्स टू प्लेजेंटनेस, यू कैन से लग्जरी, तो शहर की जो लग्जरी है, जो खुशहाली है, वो उनको बचा सके डूबने से, सिंकिंग और विदरिंग फेंट, मुरझाकर और मुरझाने से।
और उनको बेहोश होने से ख़त्म होने से बचा सके. दे वांट सम कैश इन देयर हैंड्स सो दैट दे कैन आल्सो मेक देयर लाइफ लग्जीरियस लाइक द पीपल ऑफ सिटी. आगे देखते हैं. द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड. द पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है. पॉलिश्ड, द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड का मतलब हुआ द रिच पीपल, दोज हु आर इन देयर व्हीकल्स, जो अपने कारों में हैं और जा रहे होते हैं. तो वहाँ से गुजरते तो हैं लेकिन उनके दिमाग, उनका जो देखने का वो ढंग होता है वो आगे की ओर होता है. दे आर नॉट लुकिंग यू नो टूवर्ड्स दीज यू नो रोड साइड स्टैंड्स. तो दे आर लुकिंग अहेड. और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप्स मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग. और कभी होता क्या है, या इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, कभी कुछ पल अगर उनका नज़र मतलब पड़ता है उनके ऊपर, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स होता है इरीटेट होकर, गुस्से में, वो देखते हैं एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट. वो देखते हैं कि वो जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है वहाँ पर, जहाँ पर वो रोड साइड स्टैंड, जहाँ छोटी दुकानें लगाई गई हैं, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को मार्ड, मार्ड मीन्स होता है स्पॉयल्ड, स्पॉयल्ड मीन्स नष्ट कर दिया गया है. कितनी अच्छी सीनरी थी वहाँ पर, वो ब्यूटीफुल यू नो हिल्स एंड ट्रीज, तो उसके सामने वो दुकान लग गया और वहाँ की ब्यूटी को ख़राब कर दिया. वहाँ भद्दे पेंट उस पर हैं. और वहाँ पर जो एन और एस, एन रिफर्स टू नॉर्थ और एस रिफर्स टू साउथ, वो उल्टा लगा हुआ है, उससे क्या होते हैं वो लोग इरिटेट होते हैं. दोज आर पासिंग थ्रू दैट यू नो दैट प्लेस, दे आर गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज दैट प्लेस हैज़ बीन स्पॉयल्ड बाय दीज पुअर पीपल, बिकॉज दे हैव सेट अप यू नो वेरी वेरी अगली लुकिंग शॉप्स. और जो जो साइन है एन और एस का, वो भी उल्टा लगा हुआ है. ठीक है. दे आर ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, लकड़ी की टोकरी में, लकड़ी के एक तरह से एक कंटेनर है वुडन कार्ट, उसमें बेरीज रखी हुई हैं, वाइल्ड बेरीज. ठीक है, जामुन रखे हुए हैं बिक्री के लिए. और क्या रखा है, क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश. क्रूक्ड, क्रूक्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ. गोल्डन स्क्वैश, स्क्वैश एक टाइप ऑफ वेजिटेबल, पम्पकिन कह सकते हैं, लौकी, लौकी के समान होता है. तो उसकी मुड़ा हुआ है वो, जैसे लौकी मुड़ी हुई होती है. विथ सिल्वर क्वार्ट्स, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद है, वाइट. क्वार्ट्स मीन्स होता है बूंद, उसकी मतलब एक दाग लगे हुए हैं. तो जो लौकी है जो रखी है, मुड़ी हुई लौकियाँ जो रखी हैं बिक्री के लिए, उसके ऊपर फफूंद की मतलब दाग लगे हुए हैं, सफ़ेद दाग, छोटे छोटे, है ना, डॉटेड वन. और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या वहाँ पर जो सुंदर, बहुत ही सुंदर माउंटेन्स हैं, माउंटेन की सीनरी है वहाँ पर है. तो रोड साइड के पास तीन चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. दो, एक तो बिक्री के लिए उन्होंने लौकी रखी है गोल्डन स्क्वायर, जिसपे दाग लगे हुए हैं, सफ़ेद दाग हैं, सिल्वर वाट्स हैं. और बेरीज रखे हुए हैं बिकने के लिए वुडन क्वार्ट्स में, लकड़ी के कंटेनर में रखे हुए हैं. और सुंदर वहाँ पर माउंटेन की सीनरी है. तो वहाँ पर जब वो कभी भी जो बिग सिटीज से आते हुए जो रिच पीपल हैं, वेन एवर दे हैव द ग्लिम्स ऑफ दैट, दे आर वेरी मच यू नो गेटिंग इरिटेटेड, बहुत ही दुखी, बहुत ही नाराज़ होते हैं, क्योंकि द लैंडस्केप ब्यूटी हैज़ बीन स्पॉयल्ड बाय दिस पीपल. आगे देखते हैं. यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग. यहाँ पोएट कहता है यू हैव द मनी, यू किसके लिए है,
रिच पीपल के लिए, दोज वो आर लीडिंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ इन सिटीज़, जो बड़े लोग हैं वो बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो पोएट कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, रिच पीपल के पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन अगर आप कंजूस होना चाहते हैं, मीन मतलब घटिया होता है, लेकिन यहाँ पर कंजूस है माइजर, जो पैसा नहीं खर्च करते हैं, जो चैरिटेबल ना हो, आपके पास पैसा है अगर आप कंजूस हैं तो वाई कीप योर मनी, तो पैसा क्यों रखें आप, आपको पैसा नहीं रखना चाहिए, एंड गो अलोंग, और वहाँ से जाना चाहिए, और वहाँ से आपको जाना चाहिए, दिस क्रॉसली, क्रॉसली दिस क्रॉसली मतलब होता है नेगलेक्टिंग, अवॉइडिंग मतलब अनदेखा करते हुए। सो रिच पीपल इफ दे हैव मनी, इफ दे आर माइजर, तो दे शुड नॉट कीप मनी एंड दे शुड गो अवे फ्रॉम देयर। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अपवर्ड कहता है कि जो सीनरी है, नेचुरल जो सीनिक ब्यूटी वहाँ पर है, उसके लिए उसकी कोई शिकायत नहीं, कि उन्होंने जो रोड साइड स्टैंड वहाँ पर दुकानें खोल दी तो वहाँ की सीनरी जो है वो स्पॉइल्ड हो गई, इसके लिए कंप्लेन नहीं करता है, बल्कि वो करता है सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेट। बट पोएट जो कंप्लेन करता है वो उस विश्वास वाली जो दुख है उनके अंदर, जो कि अनकही है, वो दुख कैसी है कि वो अपनी सामान बेच नहीं सकते हैं, अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, अपने ब्रेड एंड बटर को कमा नहीं सकते हैं इजीली, तो उसके लिए वो कंप्लेन करता है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इट, इट विल नॉट मेक आवर बींग एक्सपैंड। अब यहाँ पर रोड साइड स्टैंड जो पुअर पीपल हैं उनका कहना है, यहाँ पर हमने शहर से बाहर छोटे दुकान लगाए हैं, हेयर एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें, उनके हाथों में कुछ पैसा आ सके और वो अपने जीवन को कुछ बड़ा बना सके, सुधार सके। बीइंग टू ट्राई इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, ताकि वो कोशिश कर सकें कि अपने जीवन को कुछ बड़ा कर सकें, एक्सपैंड मतलब विस्तृत करना, बढ़ाना। तो दिस वे वी हैव कम टू नो कि रोड साइड स्टैंड, यू नो, इट इज़, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय, सेट अप बाय द पुअर पीपल इन ऑर्डर टू अर्न मनी आफ्टर सेलिंग आउट, यू नो, सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो दैट दे कैन अर्न मनी एंड दे कैन मेक देयर लाइफ, यू नो, कम्फर्टेबल, दे कैन एक्सपेंड देयर लाइफ। ओके, आगे देखते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जीवन को जिस तरह से मूवीज में, मूविंग पिक्चर मतलब होगा सिनेमा में, जैसा कि दिखाया जाता है कि जीवन बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, वैसा जीवन वो बना सके। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कीप फ्रॉम मतलब होता है प्रिवेंटिंग, स्टॉपिंग। तो जो लोग शक्तिशाली हैं, जो डोमिनेंट लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग बड़े हो सके, ठीक है, जो रोकते, तो वो अपने जीवन को, पुअर पीपल दे वांट टू मेक देयर लाइफ लग्जरियस, हैप्पी, प्लेजेंट, जैसा कि दिखाया जाता है सिनेमा में। आगे देखते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस ब्यूटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। न्यूज़ में क्या आया है कि ये जो दयनीय लोग हैं, किन, किन मतलब फेलो, दीज पुअर फेलोज, पिटीफुल मीन्स होता है मिजरेबल, तो ये जो दयनीय लोग हैं इनके घरों को खरीद लिया जाएगा दया स्वरूप, मर्सीफुली, और उनको इकट्ठा किया जाएगा, गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, गांव में उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी, और जो कि थिएटर और स्टोर शहर से बिल्कुल पास में होगा, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर,
जहाँ पर उन्हें अब स्वयं के बारे में, गरीबों को अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। तो न्यूज़ में क्या, व्हाट इज़ इन द न्यूज़, कि द पुअर पीपल्स द ड्वेलिंग्स द रेजिडेंस ऑफ द पुअर पीपल इट वुड बी परचेज सोल्ड आउट एंड सिंपथेटिकली मर्सीफुली एंड दे वुड बी गेदर्ड दे वुड बी यू नो गिवन सम प्लेस इन विलेजेस इट वुड बी एडजॉइनिंग या यू कैन आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी नियर बाई थिएटर एंड स्टोर रूम एंड दे विल गेट यू नो ब्रेड एंड बटर वेरी इजिली they did not need to worry about their you know livelihood. आगे देखते हैं, while greedy good doers beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits while तो जब उनके घरों को मकानों को खरीद लिया जाएगा, उनको गांवों में शिफ्ट किया जाएगा, तो उसमें while greedy good doers greedy लालची जो भला करने वाले लोग हैं, दिखने में तो भला करते हैं लेकिन बहुत लालची लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस, ओके, बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे जो भलाई करने वाले, जो शिकार करने वाले पशु हैं, तो ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे आया है वो किसके लिए आया है, जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस यू नो और प्रॉफिटियर्स इन सोसाइटी, उनके लिए है। ये लोग क्या करेंगे, स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। ऐसे लोग वो गरीब लोगों के जीवन पर मंडरा रहे होंगे और बहुत ही फायदे बता रहे होंगे चीज़ों का, ये सब करने का, कि अगर उनको शिफ्ट किया जाएगा विलेजेस में, अपने घर को छोड़कर चले जाएं ताकि वहाँ बिल्डिंग्स बना सकें, वो तो उनको कैलकुलेट किया जाएगा, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, देयर विट्स, विट्स मीन्स होता है इंटेलिजेंस, तो उनकी बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए, सूद, सूद मतलब होता है शांत करना, करने के लिए उनको बहुत सारी लाभ एडवांटेजेस बताए जाएंगे, कैलकुलेट किए कराए जाएंगे, उनको गिनाए जाएंगे कि यहाँ से जाओगे तुम्हारा लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो लोग मडरा रहे होते हैं जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं, हालांकि वो अपना ही फ़ायदा सोच रहे होते हैं लेकिन उनके माइंड को वॉश कर रहे होते हैं ताकि वो अपने जो रेजिडेंस हैं, जो स्लम एरियाज हैं, उनको खाली कर दें, कुछ पैसे लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए रिमोट एरियाज में। आगे देखें, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और फिर जो जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस आर सेड टू बी ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन और ये सब लोग, उनको सिखा रहे होते हैं कि किस तरह हम आराम करते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है, जब अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं लाइक पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन, तो वे पूरे दिन सोते रहते हैं, इस तरह से डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। एंशियंट वे का मतलब है पुराने ज़माने से, प्राचीन काल से गरीबों को का शोषण किया जाता है, तो इस तरह से जब वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे तो उनकी नींद को उड़ा देंगे, समाप्त कर देंगे, जैसा कि वो बहुत समय से जीते आए हैं, स्लीपलेस नाइट दे हैव द पुअर पीपल। तो दिस वे द यू नो ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे दे आर यू नो टेकिंग देम इनटू एंटाइसमेंट एंड परचेजिंग देयर यू नो हाउस होल्ड्स एंड शिफ्टिंग देम टू विलेजेस एंड प्रॉमिसिंग कंफर्टेबल लाइफ, बट आफ्टर गेटिंग फुलफिल्ड देयर मोटिव्स they sleep all day and destroying their sleeps, the sleeps of the poor people, they are no longer comfortable. आगे देखते हैं, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there that waits all day in almost open prayer.
Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Poet का कहना है कि कभी कभी मैं महसूस करता हूँ स्वयं कि मैं उनके जो बच्चों जैसे जो इच्छाएं हैं, निरर्थक इच्छाएं हैं, उनको सहन नहीं कर सकता हूँ. बियर मीन्स सहन करना. द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. वेन मीन्स निरर्थक, जो कभी ना पूरी होने वाली हो. लॉन्गिंग मीन्स इच्छाएं. बच्चों की इच्छा होती है एरोप्लेन ये करना वो करना, वैसे उनकी इच्छाएं होती है. इच्छाएं क्या होती हैं कि वो जो बड़े लोग हैं शहर के वहाँ पर रुकें और उनके चीज़ों को खरीदें. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. जो दुख है वो उनके खुली हुई खिड़कियों के पास छिपा होता है. लर्क्स, लर्क मीन्स हिडन. और वो पूरे दिन लगभग ओपन प्रेयर में वो प्रार्थना करते हुए कोई रुके वहाँ पर और कुछ चीज़ें खरीदें, वो इंतज़ार ही करते रहते हैं. ठीक है, तो थ्रू आउट द डे दे आर ओपनिंग देयर यू नो रोड साइड स्टैंड देयर शॉप्स एंड दे आर प्रेइंग टू गॉड सो दैट सम यू नो रिच पीपल दे कैन स्टॉप एंड परचेज देयर थिंग्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सो दैट दे कैन मेक मनी. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. सी फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, जो इट इज़ यू नो इट इज़ द साउंड ऑफ टेकिंग ब्रेक द लाउड साउंड ऑफ टेकिंग ब्रेक्स. स्क्वील ची से आवाज़ होती है जब ब्रेक लगाते हैं. तो साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार. सेल्फिश कार्स यहाँ पर आए हैं, ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है. सेल्फिश कार मीन्स होता है बहुत ही स्वार्थी जो कार वहाँ से जो गुजरते हैं. जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न्ड अराउंड. कुछ जो स्वार्थी लोग होते हैं वो रुकते ज़रूर हैं, लेकिन किस लिए रुकते हैं? इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस, वो कीमतें जो चीज़ें रखी हैं उसकी चीज़ों की कीमत पूछने के लिए रुकते हैं. और एक आदमी कोई रुकता है वहाँ पर क्या करने के लिए? खाली उनके जो घास रखे हैं जो आंगन में रखे हुए हैं उसको रौंद कर चला जाता है. क्यों रौंदता है? यू टर्न लेना होता है उसको, मोड़ना होता है अपनी गाड़ी. तो पीछे वो करता है प्लो अप मीन्स होता है उसको ट्रैम्पल करना. घास रखे होते हैं यार्ड में उसको ट्रैम्पल करते हुए यू टर्न लेता लेकर चला जाता है. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, यहाँ देखिए लिखा. तो इस आंगन को मोड़ने के लिए वो यूज़ करता है. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड. और दूसरे लोग जो रुकते हैं वो खाली पूछने के लुकते हैं कि ये रोड कहाँ तक जाती है. बाउंड, बाउंड मीन्स होता है लीड्स टू. वेयर डज दिस रोड लीड्स टू? तो लोग वहाँ पर रुकते हैं, किस लिए रुकते हैं? चीज़ों की कीमत पूछने के लिए और मोड़ने के लिए, अपनी गाड़ी मोड़ने यू टर्न करने के लिए. और दूसरी बात क्या करते हैं? रास्ता पूछने के लिए कि रोड कहाँ तक जाती है. Where does this way, you know, leads to a bound? And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They could not. This crossly they had done, didn't see. और दूसरे लोग जो रुके वहाँ पर ये पूछने के लिए कि क्या वो पेट्रोल बेचते हैं, gallon of gas. In some countries, petrol is said to be gas. तो gallon of gas का पेट्रोल को गैस भी कहता है. तो कुछ जो कुछ और कुछ लोग रुकते हैं वहाँ पर वो पूछने के लिए रुकते हैं कि क्या उनके पास पेट्रोल है. पोर्ट यहाँ पर कहता है दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, मतलब यहाँ पर दिस क्रॉसली नेगलेक्ट करते हुए, अनदेखा करते हुए, क्या वो देख नहीं सकते हैं कि वहाँ पर उनके पास नहीं है, पेट्रोल नहीं रखते हैं वो लोग, फिर भी पूछते हैं. तो वहाँ पर लोग रुकते किस लिए हैं? रोड साइड स्टैंड पे उन चीज़ों की कीमत पूछने के लिए
यू टर्न करने के लिए या रास्ता पूछने के लिए और या ये पूछने के लिए कि कुछ लोग पूछते हैं पेट्रोल है कि नहीं, पेट्रोल ख़त्म हो जाती है किसी की रास्ते में। आगे देखते हैं, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। नो इन कंट्री मनी, कंट्री मनी जो गांव का पैसा है और जो उनका मुनाफा है जो होना चाहिए, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट जो आवश्यकता होती है वहाँ के विकास में और वहाँ की इकोनॉमिक नो इम्प्रूवमेंट में, हैज़ नेवर बीन फाउंड जो कभी पाया नहीं गया। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो वॉट इज द एक्सपेक्टेड यू नो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द यू नो कंट्री इन दैट विलेज, इट इज़ नॉट यू नो इट इज़ नॉट इट इज़ नेवर गेन्ड, इट इज़ नेवर अप टू द मार्क, इट इज़ नेवर फाउंड द रिक्विजिट द एसेंशियल यू नो द ग्रोथ रेट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दैट विलेज। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ऐसा लगता है कि गाँव की आवाज़, लोगों की आवाज़ ये है, शिकायत कर रही होती है कि वो काफ़ी खुशहाल नहीं है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, अपवर्ड कहता है यहाँ पर कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, मुझे तब तक आराम नहीं मिल सकती है जब तक कि इन लोगों के दर्द को एक झटके में, उनके दर्द को समाप्त ना किया जा सके। मतलब दे शुड बी नो पुट इन टू कम्फर्टेबल कंडीशन, दे शुड बी गिवन सम रिचेज, दे शुड बी यू नो दे शुड अपग्रेड, दे शुड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक वो अच्छा फील नहीं करेगा पोएट। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। मुझे हैरानी बर्ड कहता है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मुझे हैरानी है कि मैं आपको यहाँ अपने पास कैसे बुलाऊं। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, ताकि मुझे आप इस दर्द से निकालें। वॉट इज़ द पेन ऑफ द पोएट, पोएट का जो पेन है, जो दर्द है, परेशानी है, वो ये गरीब लोग हैं, उनकी डिसकम्फर्ट है, मतलब परेशानियाँ हैं। दे आर लिविंग इन वेरी बैड कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन, तो दे शुड बी यू नो हेल्प्ड, पीपल शुड कम ओवर देयर रोड साइड स्टैंड, उनके दुकानों पर आएँ, चीज़ें खरीदें, सो दैट दे कैन मेक मनी एंड मेक देयर लाइफ कम्फर्टेबल। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस आई हैव शॉर्टेड आउट, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन गो थ्रू इट। व्हाई डू द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड वेट फॉर द स्क्रील ऑफ ब्रेक्स सो ईगरली। जो लोग यहाँ पर दुकानें रन कर रहे होते हैं, गरीब लोग, वो इंतज़ार क्यों करते हैं लोग एक कार के रुकने का, बहुत ही उत्सुकतापूर्वक इसलिए करते हैं ताकि वो ऊपर रुके और उनकी चीज़ें खरीदें, ठीक है, और कुछ पैसा शहर का उनके हाथों में आए और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, डियर देम विट्स नहीं है, गलत लिखा हुआ, डियर विट्स विद रेफरेंस टू द पोएम द रोड साइड स्टैंड। सूद मतलब होता है शांत करना, डियर विट्स उनके इंटेलिजेंस को, बुद्धिमत्ता को,
तो इस बात को एक्सप्लेन करना है. द पावरफुल मैन अप्रोच द कंट्री फॉक विद फॉल्स प्रोमिसज ऑफ प्रोवाइडिंग दैम विद बेटर लिविंग कंडीशंस एंड बेटर लाइफ एंड दीज इनोसेंट सिंपल रस्टिक्स रिपोज ब्लाइंड फेथ इन देयर फॉल्स क्लेम्स एंड फील सूथ एंड सेटिस्फाइड दे फेल टू सी थ्रू देयर क्रूडनेस एंड सेल्फिशनेस. शक्तिशाली लोग गाँव में आते हैं, उन्हें झूठी वादे करते हैं, उनसे उनकी कंडीशन को उनकी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, और ये इनोसेंट लोग जो रस्टिक्स जो गांव के लोग हैं इस बात को मान लेते हैं और अंधा विश्वास कर लेते हैं उनके ऊपर और सेटिस्फाइड हो जाते हैं. और वो उनकी जो बेईमानी है उनकी स्वार्थ को देख नहीं पाते हैं. स्वार्थ क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो अपना बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, वहाँ से उनको हटाना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पीपल. रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह से सहानुभूति व्यक्त करते हैं गांव के लोगों में, तो ये दिखाते हैं किस तरह से लोग वहाँ पर आते हैं. फील्स एन अनबियरेबल एग्नी. एग्नी मीन्स मेंटल सफरिंग एट द प्लाइट. प्लाइट मीन्स बैड कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल हु आर इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय द रिच पॉलिटिशियंस. द गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन पावर आर इनडिफरेंट टू देयर वेलफेयर. दे फील फूल देम बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसज एंड देन फुली एक्सप्लॉयट देम टू सूट देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. किस तरह से जो राजनीतिज्ञ हैं और बिजनेसमैन हैं वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में उनको बहकाते हैं और उनको अपने झांसे में लेते हैं. वॉट वॉज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड. क्वेश्चन है, वॉट वॉज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड. फॉक मतलब होता है जो गरीब लोग हैं, उनकी दलील क्या है. प्ली, प्ली मिस होता है रिक्वेस्ट या दलील, द पोलाइट रिक्वेस्ट. तो उनकी दलील क्या, उनकी रिक्वेस्ट क्या है जिन्होंने वहाँ पर रोड साइड स्टैंड लगाए. तो इसको पढ़ लीजिए, वो चाहते हैं कि कुछ पैसा, एक्स्ट्रा पैसा है शहर से, वो लोग चीज़ों को खरीदें और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकें, बेहतर बना सकें. What is the childish longing for the of the folk who had put up the roadside stand? Why is it in vain? बच्चों जैसी उनकी इच्छा क्या है जो निरर्थक, जो पूरी नहीं की जा सकती है गाँव वालों की, जो roadside stand. तो यहाँ पर childish longing the poet refers to is the dreams and desires of the rural folk who have a childlike longing for a better life and they hope to live with the help of help from the city dwellers. Dwellers मतलब होता है निवासी, शहर के निवासियों की सहायता से वो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं और उनकी जो इच्छा है, their longing is in vain, जो निरर्थक है, क्योंकि ये लोग रुकते तो है नहीं और उनकी इच्छा नहीं है उनकी सामान चीज़ों को खरीदने के लिए. Why didn't the police traffic stop at the roadside stand? Police traffic, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की जो गाड़ियां हैं वहां पर रुकती क्यों नहीं है. द पुलिस ट्रैफिक कन्वीनियंटली ओवरलुक द रोड साइड स्टैंड एंड डू नॉट स्टॉप देयर एज देयर माइंड इज फोकस्ड ओनली ऑन देयर डेस्टिनेशन. क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो उनकी मंजिल की ओर ज़्यादा फोकस होता है, वहां पर रुकना नहीं चाहते, ओवरलुक कर देते हैं. और मोर ओवर दे वेयर क्रिटिकल ऑफ द पुअर डिकोर ऑफ द स्टैंड, इट्स आर्टलेस इंटीरियर एंड पेंट. और वो लोग बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन ऊपर नहीं पड़ता है, उन जो पेंट होता है उनके दुकान का आर्टलेस होता है, उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता. वॉट न्यूज़ इन द रोड द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग इट्स रोड इन द विलेज. द न्यूज़ मेकिंग इट्स राउंड इज अबाउट द रिसेटलमेंट ऑफ द पुअर rural people who will be resettled in the villages next to the theater and the store. They would be close to the cities and will not have to worry about themselves. तो इस तरह से है
कि जो न्यूज़ होता है कि उनको रिसेटल किया जाए वहाँ से दूर गांव में किसी, और वो जो गांव होगा वो शहर से पास में ही होगा, तो ऐसा केवल फॉल्स प्रॉमिसेस होता है उनका और कुछ नहीं, झूठे दावे होते हैं, झूठे वादे होते हैं और कुछ नहीं। व्हाई डू पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सिटी मनी, सेम क्वेश्चन, बिकॉज दे आर नीडी पीपल, दे जस्ट वॉन्ट टू नो ब्रिंग बेटरमेंट इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट टू मेक देयर लाइफ मोर कम्फर्टेबल एंड बेटर। What does Frost himself feel about the roadside stand? He feels distressed. बहुत upset दिखाई पड़ता है poet. और यहाँ कुछ हमने दिया है, देखिए extract है, extract है, ये questions हैं, and these answers are there. You can go through it. These are extract based questions. I have sorted it out. Extract is given and it follows some questions. You can go through it. This is another extract. You can go through it. These are extract, last extract is it? I have given the theme of the poem. जो theme है poem का वो है consideration for the simple people of the countryside whose lives have shown no progress. तो जो hardships हैं, जो poverty है, trials and tribulations of the the poor people at roadside stand. It has been, focused by the poet. Theme is होता है कथा वस्तु, और ये summary हमने shout out किया है. You can go through it easily. And finally, this is also the summary. The part of the summary I have. You can go through it. And finally, I have shorted out on the poetic device of the poem. What are the poetic devices used in the poem A Roadside Stand? So first, transferred epithet. Transferred epithet, it is symbolic. It is a symbolism, you can say. Ki something is referred. The whole is referred to, part, and part is referred to whole. यहाँ पर पॉलिश ट्रैफिक, इट रिफर्स टू हूम, द रिच पीपल, द रिच पीपल इन देयर व्हीकल्स, एक्सपेंसिव व्हीकल्स, जो बड़े लोग हैं, पॉलिश ट्रैफिक, जो धनी लोग हैं, जो मिलेनियर्स एंड बिलेनियर्स हैं, दे आर इन देयर कार्स, सेल्फिश कार्स, सेल्फिश कार इज आल्सो रिफरिंग टू द द पीपल दोज हु आर इग्नोरिंग रोड साइड स्टैंड। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है, द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द विंडो, सैडनेस को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है, दुख जो उस विंडो के आसपास छिपा होता है, द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, रोड साइड स्टैंड, दुकान को यहाँ पर, रोड साइड स्टैंड को यहाँ पर क्या किया गया है, पर्सनिफाई किया गया, मानवीकरण किया गया है, कि जो दुकानें हैं वो बहुत ही दयनीय रूप में, दया स्वरूप वो प्लेड करती है, मतलब खुशामद करती है कि उनकी चीज़ों को खरीदा जाए। अलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार है, ग्रीडी गुड डूअर्स, तो द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जी जी जी। बेनिफिशन बीस्ट ऑफ प्रे, पैथेटिकली प्लेड, तो दीज आर आल्सो अलिटरेशन। ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पर विरोधाभास भी है, ऑक्सीमोरन है।
ग्रीडी जो लालची लोग होते हैं वो गुड डूअर्स हो ही नहीं सकते हैं, दोनों में विरोध है। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑपरे, लाभ पहुंचाने वाले जंगली जानवर हो ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास है। सो नाउ वी हैव कम टू एन एंड दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू इट प्रॉपरली एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।